I feel you know, Raji offering me this kind of a role. I was a little pehle to main thoda sa I was nervous and stuff like that, but baad mein to be part of such a beautiful film and to play Nargis Dutt is a great honor, I feel. Okay, kya matlab research kahe ki aap you know कुछ फिल्में देखी आपने नरगिस जी की, किस तरह से इसमें इसमें बेसिकली मैंने राजी ने मुझे दिखाया क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्रीज, तो उसको देख के मैं आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नरगिस दत्त जी. देन प्रियादत्त जी मुझे मिली, उन्होंने मुझे किताब दिया, तो वो उसको देख के उसे पढ़ के मुझे आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हर स्पिरिट, हर सोल, हर दिस थिंग. And so that's how it is. क्या संजय दत्त से बात हुई थी आपकी, क्या उनसे डिस्कशन हुआ? जी नहीं, नहीं किया था मैंने. I did not get that because I really wanted to follow the director's vision. और उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके दिया था, जो भी मुझे क्वेश्चन वगैरह पूछने थे तो आई आस्क्ड हिम. आप संजय दत्त के साथ पहले काम कर चुकी हैं, तो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आप पे कैसा था? मैं संजय दत्त की फ़ैन रही हूँ, तो जब मैं स्कूल में थी तो रॉकी रिलीज़ हुई थी, सो फिर उसके बाद सालों के बाद मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो आई वाज ऑलवेज इन ऑल ऑफ हिम एंड ही इज़ ऑलवेज बीन माय यू नो स्टार एंड हीरो एंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नो, समबडी दैट यू सी फ्रॉम डिस्टेंस एंड एडमायर. सो यू नो, संजय दत्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो क्या उन्होंने कभी आपके लिए ऐसा कुछ किया जो आपके दिल को बहुत छू गई हो बात? बेसिकली बाबा इज ऑन हार्ट, ही इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, राइटली सेड. एंड द क्वालिटीज दैट आई हैव सीन इन हिम इज दैट फ्रॉम अ स्पॉट बॉय टू द लाइट मैन टू the big directors to big actors to actresses, whoever, they actually love him because he's full of love and affection and wo aisa kuch differentiate nahi karte hain kaun bada hai kaun chhota hai kaun kiske sath, wo kabhi bhi kya kehte hain dimag se calculative dhang se wo gaye nahi, dil se gaye hain. To Manisha ji, one second, haan ji, काफ़ी थी एक्चुअली. मैं फिल्मों की बहुत बड़ी फैन रही हूँ और जब मैं छोटी थी तो मैंने मासूम देखी थी, उसमें जो यंग लोग थे उसमें काफ़ी मुझे पसंद आए थे, और शबाना आज़मी थी, शबाना आज़मी जी की मैंने अर्थ देखी, तब से मैं उनकी बहुत फ़ैन रही हुई हूँ, और काफ़ी एक्ट्रेसेस का काम देखा, एक्टर का काम देखा, और यू नो आई जस्ट फैंटास्टिक. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड वेरी हार्ड वर्किंग. आई थिंक ही इज़ बॉर्न फॉर जीनियस काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड यू नो एक्टिंग इज़ इन हिज ब्लड. ही इज़ वेरी प्लेजेंट पर्सन टू वर्क विद because बहुत ही अच्छे well behaved and you know well brought up person you know लगता है, you know. And I was really shocked when I saw the rushes of Sanju. I could not differentiate between the Ranbir Kapoor and Sanjay Dutt. He उन्होंने इतना अच्छा, इतना बढ़िया काम किया सर ने. राजकुमार सर ने आपको बाद में इसके रूप में सबके सामने लाया, लेकिन सुनील दत्त के साथ भी आप कोलैबोरेशन थी, जो आपके साथ कोई कन्वर्सेशन हुई हो जो आपकी? बेसिकली मेरी जब फिल्म बॉम्बे रिलीज़ हुई थी तो सुनील दत्त साहब ने अपने थिएटर अजंता आर्ट्स में ट्रायल शो रखा था, और उसमें वो ही सॉ द फिल्म, और उसके बाद मुझे तुरंत फ़ोन किया था कि बेटा मैंने तुम्हारी फिल्म देखी और मुझे बहुत नरगिस दत्त जी की याद आई. तो आई फेल इट्स सच अ ग्रेट ऑनर, सच अ ग्रेट यू नो अप्रिसिएशन ऑफ माई वर्क, एंड आई वॉज वेरी वेरी थ्रिल्ड. मुझे उस वक्त ये नहीं मालूम था कि बरसों बाद मैं उनका किरदार करूँगी, नरगिस दत्त जी का कैरेक्टर मुझे करने को मिलेगा, मुझे ये नहीं मालूम. मिश्रा जी, ऐसे कि आपने कहा रणवीर ने बखूबी निभाया है संजय दत्त के इस किरदार को, अलग अलग फेज हो जाने उनकी लाइफ के, आप पे अगर आपकी लाइफ पे बात बने, कौन लगता है बॉलीवुड में से कौन प्ले कर, आप किसे चाहोगे? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू मेरे लाइफ में कोई फिल्म बने, लेकिन इफ इट्स देन मे बी
कंगना और मे बी आलिया, आई डोंट नो, मे बी ईदर ऑफ देम। सो वैसे तो हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, लेकिन संजू मूवी करके आपको ऐसा लगा कि संजय दत्त और आपकी लाइफ में कुछ सिमिलैरिटी रही है? आई गेस द फैक्ट दैट वी सफर्ड, सो आई गेस दैट, बट I don't think there's anything similarities in that. वैसे आप कैंसर से बैटल करके जीती हैं और नरगिस जी की डेथ अनफॉर्चुनेटली उस वजह से हुई थी, तो क्या वो पार्ट, वो दौरान जब आप जी रही थी तो क्या इमोशनल हो रही थी या फिर आपने जस्ट एज अ रोल दिया? नो, एक्चुअली मैं इस रीज़न से ज़्यादा एप्रिहेंसिव थी कि मुझे वो मेमोरीज मुझे रीलिव नहीं करना था, और मैं जानती भी नहीं थी कि मैं वो रीलिव कर पाऊँगी या नहीं, तो मुझे इस चीज़ से थोड़ा एप्रिहेंशन था, क्योंकि एक तो राजी की फिल्मों के मैं फ़ैन रही हूँ और मेरे फेवरेट को स्टार के ऊपर फिल्म बन रही है, तो मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट अगेन द फियर ऑफ टू रीलिव दोज मोमेंट वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो आई वॉज वेरी एप्रिहेंसिव बिकॉज ऑफ दैट। तो सेट पर कैसा था? नहीं, एक्चुअली फिर मैंने ये सर से बोल दिया कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है सर, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने कहा इट्स नॉट द फिल्म डजेंट रिवॉल्व अराउंड दैट सिचुएशन, और इसमें ज़्यादा हम ड्वेल नहीं करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो आई गॉट टू नो संजू जी को भी आप कुछ जानते हो, तो पिक्चर में जो लाइफ दिखा है संजू को आप रियल में जानते हो, कितना डिफरेंस लगा आपको? नहीं, ये तो रियल लाइफ के ऊपर बनी है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप जितना जानती हो उनको, काफ़ी उतार चढ़ाव थे, कुछ सारे कई सारे थे जो थे हमको पब्लिक को भी नहीं पता थे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चली होगी, तो क्या? हाँ, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ के बारे में मुझे पता नहीं था, और इस फिल्म को जब मैंने देखा कुछ दिनों पहले, तो मुझे लगा ओ माई गॉड, यू नो सो मच हैज़ गॉन, यू नो सो मच हैज़ हैपेंड, तो ये सब आपको आप लोगों को भी लगेगा एक्चुअली। Also, you are uniting with Sanjay Dutt in his next film, Prasthanam. Prasthanam. So tell us something about that. Well, I was super thrilled, maha thrilled that I got to work with him again, and it's his home production, and it's a remake of a South film. And the original director is making the Hindi version as well. It's a family drama, action-packed and political family dramas, and it's a typically that kind of a mold of a film, you know. And I'm really excited about it. So did you get confused between original Sanjay and real Sanjay? Yes, I did. I absolutely did. I did not know when Ranbir, I saw him, Ranbir playing Sanjay Dutt, I could not really say, is it really? That's Ranbir Kapoor playing Sanjay Dutt. I thought it's so close to the reality. He's acted so beautifully. We take the last two questions first. What was the most challenging thing for you playing Nargis? Well, actually, I just wanted to, because everybody is so top notch in this movie. I just wanted to be as good as other people, and I guess that was the most challenging thing. Okay, just few days to go. Audience se kuch kehna chahenge? मैं तो बस सबको, आप सबको बोलूँगी कि आप आएँ थिएटर में आएँ, एंड प्लीज़ वॉच द फिल्म, यू वॉन्ट गो डिसअपॉइंटेड, बिकॉज यू नो ये फिल्म आपको हंसा देगी, आपको रुला देगी, एंड आई एम श्योर यू यू नो लीव द थिएटर विद लॉट्स इन योर हार्ट। थैंक यू सो मच।